और हमारे सभी साथी मित्रगण, आज माननीय प्रधानमंत्री जी का 74वां जन्म दिवस बहुत ही धूमधाम से हम मनाने जा रहे हैं। कि अगर परमात्मा चाहे तो मेरी 10 साल उम्र उनको दे दी जाए। मोदी जी जिए हजारों साल, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत बधाई आपको। कार्यकर्ताओं के मान सम्मान को ऊंचा रखकर यहाँ पर कमल खिलाने का काम करें तो इससे अच्छा जन्मदिन पर उनको कोई गिफ्ट नहीं होगा। छोटी सी ट्रीट कह लीजिए जनता द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं द्वारा, उनके सेना द्वारा, यहाँ पर दिल्ली की जनता के लिए। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर दिल्ली के दिल यानी कनॉट प्लेस पर आज नरेंद्र मोदी का 74वां जन्मदिन मनाया गया, किस तरीके से केक काटा गया यहाँ पर, और सूर्य वर्मा जी द्वारा ये आयोजन किया गया है जिसमें सूर्य वर्मा से जानते हैं। दिवस है, इस उपलक्ष में हमारी जो टीम है उज्ज्वला योजना की टीम है और हमारे सभी साथी मित्रगण, आज माननीय प्रधानमंत्री जी का 74वां जन्म दिवस बहुत ही धूमधाम से हम मनाने जा रहे हैं। भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। ठीक है, ये बताइए प्रधानमंत्री का 74वां जन्म दिवस है और इस उपलक्ष्य पे उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, आखिर आपके जहन में उनके लिए क्या छुपी है? देखो, एक 74 साल का बुजुर्ग हमारे सनातन के लिए लड़ाई लड़ रहा है। हमारा उत्साह इतना है कि अगर परमात्मा चाहे तो मेरी 10 साल उम्र उनको दे दी जाए। देश और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 74वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मोदी जी जैसे 10वां हमारा देश जीडीपी में 10वें स्थान पे था, आज मोदी जी के प्रयासों द्वारा हम 5वें स्थान पे पहुंच गए और मोदी जी के नेतृत्व में 2047 में जो है देश जो है विकसित राष्ट्र बनेगा भारत। और सुनिए, जिस हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं, देश खुशहाली के रास्तों पर बढ़ रहा है, जैसा कांग्रेस पार्टी ने देश को बदहाली के रास्ते पर छोड़ा था, लेकिन आज हम तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। और मैं एक बार फिर से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 74वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मोदी जी जिए हजारों साल, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सूर्य वर्मा जी, बताइए नरेंद्र मोदी का जन्मदिन और क्या आयोजन है और क्या प्रोग्राम है आज? आयोजन है, बहुत ही अच्छा हमने कार्यक्रम किया है, खाने की व्यवस्था की है और 500 समोसे भी मंगाए गए हैं, मिठाइयां हैं, बर्फी हैं और केक काटा जा रहा है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है ये और हमारे हरभजन जी है, हमारे सभी जो हमारी टीम इस पे लगी हुई है, तो बहुत ही शुभकामनाएं हम नरेंद्र मोदी जी को। हम हर साल मनाते हैं और आज हमें बड़ी खुशी है कि हमारे पिछले साल भी मनाया गया था और आज भी बहुत ही सुंदरता से, बहुत ही दिल से हम माननीय नरेंद्र मोदी जी का दिल से सम्मान करते हैं। वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, आज उनके 74वें जन्मदिवस पर बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। हम उनका परिवार हैं, वो हमारा परिवार है और हम आगे भी उनका जो भी जन्मदिवस कहेंगे हम वो 100 साल तक जिए और जब भी हमें हर साल मौका मिलेगा जन्मदिन मनाने का, ये मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। एक नुक्कड़ नाटक भी आपने दिखाया, किस तरीके स्वच्छता अभियान, उसके बारे में बताइए। कार्यक्रम में हमने एक नुक्कड़ नाटक जो स्वच्छ अभियान पर जो हमने बुलाया है जो हमारा 2 अक्टूबर तक चलेगा, दो अक्टूबर तक चलेगा नुक्कड़ नाटक, जिसमें हमारे को बहुत ही स्वच्छ अभियान पर कूड़ा ना फेंके, गंदगी ना फैलाएं। और मैं यही कहूँगा, ये माननीय मोदी जी की बात है, सबकी बात है, मन की बात है, कूड़ा ना फैलाएं, गंदगी ना फैलाएं। और आज फिर हम 74वें जन्मदिवस पर सूर्य वर्मा की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं माननीय नरेंद्र मोदी जी को, धन्यवाद। जिस तरीके से देखा सूर्य वर्मा जी ने केक कटवाया और तमाम लोगों के साथ मिलकर यहाँ नरेंद्र मोदी का जन्मदिन की बात की गई, और भी जनता यहाँ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे कि मोदी जी के 74वें जन्मदिन पर किस तरीके से बधाई देना चाह रहे हैं। बधाई, आज नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, भैया क्या बोलना चाहेंगे मोदी जी को? मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी का, और नरेंद्र मोदी जी का एक पैगाम देना चाहता हूँ कि श्रीमान जी जो हमारे देश के भारत की आर्थिक आपने 5वें स्थान पर किया, करेंसी भी 5वें स्थान पर लाए, मैंने पहले भी आपको संदेश दिया हो, माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत बहुत बधाई आपको। बधाइयाँ दे रहे हैं लोग यहाँ पर मौजूद, और नुक्कड़ नाटक भी आयोजन किया गया। मैम, जिस तरीके से आप लोगों ने दिखाया यहाँ पर एक स्वच्छता अभियान के लिए, एक पहल जो प्रधानमंत्री ने शुरू की थी, आज उन्हीं के जन्मदिन पर आप लोगों ने एक नाटक के जरिए स्वच्छता के लिए जागरूक किया जनता को, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? ये मुहिम प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी चलाई है, इससे हमें रोगों से तो निदान मिलेगा ही, प्लस हमारा देश स्वच्छ और स्वस्थ दोनों बनेगा।
तो इसलिए हम लोग ये जगह जगह जाके नुक्कड़ नाटक करते हैं स्वच्छता पे, जिससे कि हमारा देश स्वच्छ बने और हमारे देश की जनता हमेशा स्वस्थ रहे। प्रधानमंत्री ने कितना आपको प्रेरित किया है, जब से 2014 से नरेंद्र मोदी ने पहली बार झाड़ू उठाकर 80 घाट पे बनारस में झाड़ू लगाया था, देशवासियों से अपील की थी कि जब तक भारत स्वच्छ नहीं बनेगा तब तक आगे नहीं बढ़ सकता, कितने विचार मिलते जुलते हैं देश की जनता से? मेरी समझ से तो काफ़ी विचार मिलते जुलते हैं, क्योंकि सभी स्वच्छ रहना चाहते हैं और सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं, लॉन्ग लाइफ सभी चाहते हैं, तो इसलिए मोदी जी से सभी पूरी जनता बहुत खुश है इन विचारों से। ये नुक्कड़ नाटक की टीम है जिन्होंने आज स्वच्छता अभियान के लिए एक छोटा सा नाटक किया दिल्ली के कनॉट प्लेस पर, और किस तरीके से जनता को जागरूक करने का काम किया स्वच्छता के प्रति। और भी जनता है सर, नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, क्या बधाइयां देंगे किस तरीके से? देखिए, उनको दीर्घ आयु की बधाई हो, और तीसरी बार इस जनता ने, जनता जनार्दन ने तीसरी बार प्रधान सहयोग बनाकर उनका कार्यक्रम और जन्मदिन है। एक एक कार्यकर्ता आज उत्साह से उल्लास से उनका जन्मदिन मना रहे, तो जो पखवाड़ा चलता है इस पखवाड़े को निरंतर बनाए रखे और दिल्ली के अपने शहर को स्वस्थ रखे और अपने बच्चों को स्वस्थ रखे, तो ये सफाई स्वच्छता अभियान चल रहा है। तो इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी बधाई के पात्र, जिन्होंने पखवाड़ा चालू किया था और प्रधान सेवक के रूप में तीसरी बार जनता जनार्दन ने एनडीए की गठबंधन सरकार है और आपके चैनल के माध्यम से उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और एनडीए गठबंधन जैसे दबंगी के साथ और बुलंदी के साथ उनके साथ खड़ा है, आज उनका तिरंगे की आन शान बढ़ी है, आज भी देशों में वही एनडीए की सरकार तीसरी बार बनी है, तो इस देश का मान सम्मान बढ़ा है। जो एक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बधाई का पात्र है और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने उनको दी जड़ मेहनत कर उनको तीसरी बार प्रधान सेवक चुना, तो आपके चलेंगे हरेक कार्यकर्ताओं को, हरेक देशवासियों को उनको हार्दिक बधाई और धन्यवाद। और हमारी तो खुद दिली इच्छा है कि अब की बार माननीय आप प्रधानमंत्री जी अपने दिल्ली प्रदेश के संगठन को, कार्यकर्ताओं के मान सम्मान को ऊंचा रखकर यहां पर कमल खिलाने का काम करें, तो इससे अच्छा जन्मदिन पर उनको कोई गिफ्ट नहीं होगा। ये थी जनता जिन्होंने मनाया नरेंद्र मोदी का जन्मदिन, आज 74वां जन्मदिन नरेंद्र मोदी का दिल्ली के कनॉट प्लेस में मनाया गया, किस तरीके से केक कटवाया गया नरेंद्र मोदी जी का, और वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से अभी समोसे की बात करें या मिठाइयाँ की बात करें, वो सारी चीज़ें वहाँ बांटी जा रही हैं। सूर्य वर्मा जी द्वारा ये आयोजित या एक कार्यक्रम है जिसमें पूरे दिल्ली वासियों की तरफ से उन्होंने एक छोटी सी नरेंद्र मोदी को बधाई देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाएँ कि किस तरीके से समोसे का वितरण किया जा रहा है, अभी पूरे जो भी लोग यहाँ पर मौजूद थे उनको समोसा बांटने को हो या फिर केक बांटना हो, मिठाइयाँ बांटनी हो, सारी चीज़ें यहाँ पर आयोजित की जा रही हैं। आप कहें लगातार तस्वीरें देख रहे हैं कि 500 समोसे किस तरीके से लाकर यहाँ पर वितरण किया जा रहा है तमाम लोगों में, जो भी लोग यहाँ मौजूद हैं एक नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे पर छोटी सी ट्रीट कह लीजिए जनता द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं द्वारा, उनके सेना द्वारा यहाँ पर दिल्ली की जनता के लिए किया जा रहा है। कनॉट प्लेस से कैमरा पर्सन गौरव के साथ मैं शिवम चौबे, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।